सारे फ्रिज देखने के बाद हमने 471 लीटर वाला फ्रिज सेलेक्ट किया है जो कि एलजी का है। साइज़ अच्छा खासा है, सब मैनेज हो जाएगा। चलो अभी इसका फाइनल करके घर जाके आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज के व्लॉग के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं आपके साथ अपना नया फ्रिज शेयर करने वाली हूँ। फाइनली बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद हमारे घर में आ चुका है नया और बड़ा वाला फ्रिज। इसी वीडियो में मैंने आपको बोला ही था कि हमारे यहाँ फ्रिज आने वाला है, न्यू ईयर से पहले आ जाए तो अच्छा होगा। कोशिश करेंगे कि न्यू ईयर से पहले ही लेके आए घर पे फ्रिज, लेकिन नहीं हो सका है। आपके साथ शेयर करने के बाद ही मैं अपने फ्रिज में ना सारा जो सामान होता है फ्रिज में स्टोर करने वाला वो सब कुछ रखूंगी। उस सबको, पूरे घर वालों को मैंने रोक के रखा है कि मुझे सबसे पहले शेयर करना है, इसके बाद हम सारी चीज़ें फ्रिज में स्टोर करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपना पूरा फ्रिज दिखाने वाली हूँ, सो वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा। ये जो आप देख रहे हो ये फ्रिज का कार्डबोर्ड बॉक्स है, कार्टून है फ्रिज का। फ्रिज की अनबॉक्सिंग मैं आपके साथ नहीं कर पाई हूँ क्योंकि जिन्होंने जो कंपनी वालों ने फ्रिज की डिलीवरी की थी उन्हीं से हबू ने फ्रिज जगह पर रखवा दिया था, इसीलिए मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं नहीं थी घर पे। ये जो फ्रिज है 471 लीटर्स का है और इसकी प्राइस इस पर मेंशन की हुई है 73,399 रुपीस, लेकिन ये हमें कितने में मिला है ये मैं आपको अभी से नहीं बताऊंगी। अगर मैं भी बता दूंगी तो वीडियो में बाकी ही क्या रह जाएगा, है ना? तो आप वीडियो को तो यहीं से छोड़ के चले जाओगे। तो वीडियो के चलते मैं आपको इसकी प्राइस बताने वाली हूँ। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ अपने फ्रिज के पास और फ्रिज का वीडियो मैं ही शूट करूंगी, इसीलिए साथ ही साथ मैं भी नहीं आ सकती क्योंकि फ्रिज बहुत ज्यादा बड़ा है, तो स्क्रीन पे मैं और फ्रिज एडजस्ट नहीं हो पाएंगे इसीलिए। तो और डिटेल्स में मुझे ही शूट करना पड़ेगा, अगर मैं बच्चों से करवाऊंगी या फिर घर वालों से करवाऊंगी तो कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाएगा, तो मैं मेरे हिसाब से फ्रिज का वीडियो शूट करके आपको दिखाऊंगी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, यहाँ जहाँ पर जिस जगह पर मैं हूँ अभी फिलहाल, जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ पर फ्यूचर में मेरा स्टूडियो बनने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्टूडियो रूम मैं अपना बनवाने वाली हूँ। सो ये वही जगह है, कभी कभी मैं ऐसे भी आके वीडियो शूट करती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ प्लांट्स रखूँ और जगह बहुत ज़्यादा खाली खाली से लग रही है, और ये कार्टून, यहाँ जगह खाली थी इसीलिए इस कार्टून को यहीं पर रख दिया गया है, तो मुझे इसके पास आना पड़ा वीडियो की इंट्रो करने के लिए। तो चलो अभी मैं आपको फ्रिज के पास लेके चलती हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसे करके। देखो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैसी लगेगा, मतलब कि मैं कुछ कपड़े सिलने के लिए यहाँ पर रखी हूँ, कपड़े नहीं है मेरे, सोफ़ा कवर्स हैं, वेलवेट का कपड़ा है और इसके साथ जो लेस लगाई है, जो कुशन का, जो कुशन के कवर्स हैं। घर पे ही आप अपने सोफ़ा कवर के लिए कुछ आइडियाज़ कलेक्ट कर सकते हो, तो इसका वीडियो भी आएगा आने वाले वीडियोज़ में, आपको मैं ये भी बताने वाली हूँ। बोलने का मतलब ये है कि इस साइड पर आपको थोड़ा सा मेसी नज़र आएगा, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट करिएगा। ये सारे सोफ़ा कवर्स का बहुत सारी चीज़ें स्टिच करना बाकी है तो मैं इनको यहाँ से नहीं हटा सकती इसीलिए। डिटेल्स देने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं कोई भी इसका पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, हमने इसको पैसों से ख़रीदा है। अपने घर का फ्रिज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपना नया फ्रिज, अपनी नई खुशी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको तो पता ही है कि मैं कोई भी नई चीज़ लेती हूँ तो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो यही मकसद है और मेरा कोई और मकसद नहीं है। बहुत सारे लोग कुछ ऐसी चीज़ों की तलाश करते हैं जो कि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ख़रीदने के लिए कि वो उनके हिसाब की है या नहीं, अच्छी है या नहीं, क्या डिटेल्स है, क्या है, कैसा है, रियल में क्या है, तो यही चीज़ सोचकर मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल्स देना चाहूँगी। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी ना थोड़ी डिटेल्स मेरे इस वीडियो से मिल जाएगी। इस फ्रिज में अप टू 51% एनर्जी सेविंग्स है, गंदी स्मेल को भी ये रिमूव करता है, 35% फास्टर कूलिंग करता है, एक्सपेंड अप टू 45% स्टोरेज स्पेस, इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा।
अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है तो ये फ्रिज आपके लिए बेस्ट है। 471 लीटर्स का ये वाला फ्रिज है जो कि 8 से 10 मेंबर्स, मतलब कि आपकी फैमिली में 8 से 10 मेंबर्स हैं तो ये फ्रिज आपकी चीज़ों को अच्छे से स्टोरेज कर सकता है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे जो कुछ भी आइटम्स हो, ये अच्छे से स्टोर कर सकता है। 8 से 10 जन का ये फ्रिज जो है वो स्टोरेज ले सकता है। और यहाँ पर एक लॉन्गर लाइफ एलईडी लाइट दी गई है जिसकी वजह से पूरा फ्रिज ये लाइट अच्छे से कवर कर पाती है। ये लाइट हमारे फ्रिज के लिए इनफ हो जाती है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एलईडी लाइट का ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर दिया है। आप देख सकते हो इतने अंधेरे में भी फ्रिज अगर आप ओपन करोगे तो इसके डोर के साथ साथ पूरा का पूरा फ्रिज भी अच्छे से ये लाइट कवर करती है। और ये जो आप देख रहे हो इस साइड पर इन्होंने एक्स्ट्रा डोर कूलिंग फीचर दिया है, और इस साइड पर एक्स्ट्रा कूलिंग होने की वजह से हमारे फ्रिज में और भी अच्छे से चीज़ें फ्रेश रहेगी। फ्रिज है मेरा ब्रांड LG डबल डोर 471 लीटर्स का, और कलर है मेरे फ्रिज का शाइनी ब्लैक कलर, मतलब कि शिमरी पार्टिकल्स हैं इसके कलर में। ये ब्लैक कलर में है और इसके अंदर शिमरी पार्टिकल्स हैं, मतलब कि शाइनी शिमरी ब्लैक कलर्स आप बोल सकते हो, कुछ इस टाइप का कलर है इसका। उनके यहाँ स्टील कलर में भी था लेकिन हमें नहीं चाहिए था, उनके पास अवेलेबल नहीं था, हमने इसको बोल के मंगवाया है। हमने कलर ऑप्शन पूछा था तो उन्होंने बोला था कि सिर्फ एक ही कलर था और वो भी चला गया है, तो हमने कहा नहीं, हमें ब्लैक शिमरी पार्टिकल्स कलर ही चाहिए। तो उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने 5 से 6 दिन का टाइम लिया, इसके बाद हमें जैसा हमें कलर चाहिए था वही उन्होंने हमारे घर पर भेजा था। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये फ्रिज हमको कितने में मिला है। इसकी एक्चुअल प्राइस मैंने आपको, रियल प्राइस इसकी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही दिखा दी है, जो कि मैंने आपको स्टिकर के साथ प्रूफ के साथ दिखाया था। और हमने इसको EMI मतलब कि इंस्टॉलमेंट पे लिया है, महीना महीना करके हमको इसका पैसे पे करना पड़ेगा। हमने 10 से 15 हज़ार एडवांस में देके इसको घर पे ला लिया है, और मंथली हमको देना पड़ेगा 4 से 4.5 हज़ार के बीच हमको मंथली इसका पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतना अमाउंट नहीं था कि हम इसको कैश खरीद सके। करीब करीब हमें 1 साल तक इसका जो EMI है वो देना पड़ेगा। अब मैं आपको इसकी टोटल प्राइस बताती हूँ। ये फ्रिज हमको मिला है 54,000 रुपीज़ में, मंथली हम लोग पैसे पे करेंगे, तकरीबन 1 साल तक हमको इसका इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा, जाके हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, EMI हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो बस यही है, हमने इंस्टॉलमेंट बेस पर इसको लिया है क्योंकि हम कैश नहीं दे सकते थे, इतना अमाउंट हमारे पास से नहीं था, नहीं निकल सकता था, फ्रिज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए हमने इसको इस तरह से लिया है। इसमें कोई भी झिझकने वाली बात नहीं है मेरे लिए, इसलिए मैं आपको क्लियर लफ्ज़ों में बता रही हूँ। फ्रिज मेरा नया है, इसमें घसीटे या फिर खिरोटे ना आए, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का एक रोलर मैट भी ख़रीद के ला लिया था अगले दिन ही। तो ये क्लिप है दूसरे दिन का, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, नया नया फ्रिज है, अगर मैं इसमें कुछ भी कंटेनर्स या फिर कुछ भी डब्बे वगैरह रखूँगी, फिर निकालूँगी रखूँगी, तो ये जो ग्लासेस है उस पर स्क्रैचेस आ सकते हैं, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी लग रही थी। तो अगले दिन ही मैं गई मार्केट और वहाँ से मैंने कुछ इस टाइप का, अर्जेंट में मैंने इस टाइप का मैट ला लिया था घर पे, और इसको मैंने कट करके पूरे फ्रिज में डाल दिया है। आराम से जब मुझे अच्छा वाला मिलेगा कुछ मैट्स वगैरह तो मैं इसके लिए लेके आऊँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं नहीं चाहती थी कि ये इस पर ना कोई भी किसी भी तरीके के स्क्रैचेस आए इनके ग्लासेस पर। जल्दी जल्दी में मैं इसको ख़रीद के लेके आ गई थी और इसको कट करके मैंने डाल दिया, क्योंकि मेरा फ्रिज ख़राब ना हो, इनमें स्क्रैचेस ना आए, घिसे ना जाए, इस पर कोई भी स्क्रैचेस ना आए, इसीलिए इसकी सेफ्टी के लिए मैंने अर्जेंट में ये वाला प्लास्टिक का मैट ख़रीदा था। मैंने सोचा कि ये वाला वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। देखो ऑनलाइन मैंने देखा बहुत सारे ना
सेट्स थे जो कि सिर्फ और सिर्फ बड़े वाले थे, 3 या 4 मिलते हैं। मैंने देखा ऑनलाइन, मुझे पसंद नहीं आया वो चीज़। बाकी की जो ट्रेस होती है फ्रिज की, उनमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो। तो इस तरीके का रोलर अगर आप खरीदोगे तो फ्रिज कवर हो सकता है। आगे जाकर भी मैं ऑनलाइन रेडीमेड वाले मैट्स, फ्रिज के मैट्स नहीं लूंगी, मैं ऐसे ही रोलर्स लेके आऊंगी और कट करके इस पे डालूंगी। अभी तो मैंने जल्दबाजी में ये खरीदा है, ये जब तक चलेगा ठीक है, वरना मैं कभी जाऊंगी मुझे अच्छा लगेगा तो मैं लेके आऊंगी और कट करके इसमें डाल दूंगी। तो आप ये बात याद रखें, अगर आप रेडीमेड लोगे तो 4 से 5 मैट्स ही आपको मिलेंगे। अगर आप पूरा का पूरा रोलर ख़रीदोगे तो 3 से 4 मीटर, 5 से 6 मीटर के भी मिलते हैं। तो आप उसको लेके आके अपने हिसाब से उसको कटिंग करके जहाँ चाहे वहाँ पर आप उसको कवर कर सकते हो अपने फ्रिज को। तो ये आइडिया बेस्ट लगा मुझे, तो मैंने इसी को फॉलो किया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा फ्रिज अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा फ्रिज अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसी ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।